हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 31 स्ट्रीट फूड। आज हम आप लोग को दिखाएंगे ग्रेवी चिकन। सो हमारा चिकन बन चुका है। आप लोग सोचेंगे बना हुआ चिकन हम दिखा रहे हैं, सो लेट हो गया थोड़ा दिखाने में, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और ये पूरा हम दिखाते हैं आपको हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या मसाले मिलाए हैं, कितने प्याज लिया है, लहसुन अदरक ये सब हमने मसाला आपको दिखा रही हूँ। पूरा लमसम बन चुका है, बस थोड़ी सी हल्का सा इसमें बॉइल्ड आएगा और ये पूरा पक गया। आप देख लीजिए हमने इसमें एक केजी चिकन है, हमने इसमें लमसम आधा केजी प्याज ऐड किया है और लहसुन अदरक जीरा काली मिर्च हम सबको एक में ले लेंगे। या तो आप उसको ग्राइंड में ग्राइंड कर सकते हैं या तो आप उसमें अच्छे से कूट सकते हैं। तो हमने इसको कूट के ऐसा मसाला बनाया जैसे कि ये थोड़ा सा खड़ा भी रहे और पिसा हुआ भी हो, ऐसे पता ना चले कि ज़्यादा पिसा हुआ है। और इसमें हमने इसको तड़के के लिए जीरा काली मिर्च बड़ी इलायची आप देख सकते हैं तेज़पत्ते सूखी लाल मिर्च और लौंग आप कुछ खड़े गरम मसाले में तड़के में डाल के तेल में तड़का डाल के फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जब हल्का सा मेरा ब्राउन हो जाएगा तब हम उसमें मुर्गा डालेंगे, चिकन को डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। और हमें आँच गैस की आँच जो है उसको ज़्यादा धीमी नहीं रखनी है, मीडियम ही रखना है, जैसे कि मीडियम ही रखना है, उसको ज़्यादा धीमी नहीं करना है और हमें चलाते रहना है ताकि हमारा चिकन टूटे ना और अच्छे से मसाला पूरा मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं चिकन जब तक अच्छे से भुन ना जाए, मसाला उसका अच्छे से भुन ना जाए, हमको उसको चलाते रहना है। और ये जब खुद भुन जाएगा जब लास्ट में किनारे किनारे तेल आप देख सकते हैं कितना अच्छा तेल किनारे किनारे तेल पूरा छोड़ा है, जब तक तेल ये पूरा अच्छे से ना निकल जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। इसके बाद आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस हमारा चिकन का कलर कितना सुंदर आया है, एकदम हल्का हल्का रेडिश कलर है। ये पूरा बन के एकदम रेडी हो गया है, हम इसको ढक देते हैं। सब पीस उठा के दिखाऊं को टूट जाएगा इसी में। आप देख सकते हैं हमारा पीस एकदम पूरा अच्छे से पक चुका है। अब ये आप ग्रेवी अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको ज़्यादा चाहिए, आपके घर में जितने लोग हैं आप उस हिसाब से पानी डाल के अपना ग्रेवी कर सकते हैं। हमने तो बहुत लटपटाई किया है, आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। अब हम इसको ढक देते हैं ताकि इसकी खुशबू ख़त्म ना हो। थैंक यू सो मच। फोटो नहीं खींचा जाता है ये पूरा जो है ना।